हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की सीरीज में फ्रिक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। लगभग सारे टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, तो फ्रिक्शन में किसी भी तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट हमने नहीं छोड़ा है यहाँ पे। अब इसके बाद अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में नीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जेई मेंस के, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर जेई एडवांस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड होंगे। तो पहले की तरह क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, एक बार आप क्वेश्चन को ट्राई करें देखें करने का, और उसके बाद फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे दिया है ये नीट 2022 में ही पूछा है फेज टू के अंदर। तो सवाल में बोला है इन द डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताना है 2 kg ब्लॉक और 1 kg ब्लॉक के बीच में लगने वाला है। कोई इसी तरह का कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगा है, सरफेस एकदम स्मूथ है, और जी की वैल्यू आपको दी है 10 m/s। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं और फिर इसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं इस सवाल को। एक ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, और सबसे पहले मुझे दिया है यहाँ पे 3 kg ब्लॉक। 3 ब्लॉक यहाँ पे मुझे दिए हैं, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, इधर से थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे दिया है मुझे इस तरीके से, ये दिया 3 kg ब्लॉक, यहाँ पे मुझे दिया है 2 kg ब्लॉक, और यहाँ पे मुझे दिया है 1 kg ब्लॉक। इस तरह का डायग्राम है, और यहाँ पे जो फोर्स लगा है वो लगा है 60 N, और इंटरनली जो फोर्स यहाँ पे लगा है वो लगा है 18 N। एंगल मुझे कितने का दिया, एंगल मुझे दिया 30 degrees। तो आपको 1 kg और 2 kg वाले ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बताना है कितना होगा। तो वही काम करते आएंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे 60 N फोर्स है, यहाँ पे 80 N। तो सबसे पहले हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, तो ये वाला फोर्स इसको कुछ ऊपर की तरफ लेके जाएगा, 60 N वाला फोर्स ज़्यादा है। वो अलग बात है कि mg sin थीटा भी नीचे एक्ट करेगा, बट इन दोनों फोर्स की वजह से अगर हम देखें तो 60 N किधर लेके जाएगा, नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन वाला नेट फोर्स बड़ा है। तो इसका एक्सेलरेशन किधर मान लेंगे, ऊपर मान लेंगे, और इस पूरे को क्या मान लेंगे, सिस्टम मान लेंगे, क्योंकि तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो उनका कॉमन एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो देखो कैसे करेंगे, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूँ 3 kg 2 kg और 1 kg, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ये मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल मेरे पास है 30। तो कॉमन एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूंगा कितना हो जाएगा, 3 to 5, और यहाँ पे हो जाएगा 6 kg। ये होगा कॉमन एक्सेलरेशन। अब फोर्स देख रहे हो कौन कौन से लग रहे हैं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है 18 N, अपवर्ड फोर्स लग रहा है यहाँ पे 60 N, और एक 30 degrees की वजह से नीचे भी फोर्स आएगा जिसको बोलेंगे mg sin 30। वैसे के कंपोनेंट करेंगे 6g के, तो कितना आएगा mg sin 30, यानी 6g sin 30। हालांकि नॉर्मल भी यहाँ पे एक्ट करेगा, नॉर्मल की बात करो नॉर्मल हो जाएगा 6g cos 30, और नॉर्मल किधर लेगा, ऊपर की तरफ। नॉर्मल की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल इन द सेंस जो इस सरफेस इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच में लगाए, उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू नहीं पूछी, मुझसे वैल्यू पूछे 2 kg और 1 kg के बीच में लगने वाले नॉर्मल फोर्स की। ठीक है, तो दो तरह के नॉर्मल लगेंगे, एक लगाएगा इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक के ऊपर और एक ब्लॉक्स के बीच में जो एक्ट करेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, एक्सेलरेशन नीचे। तो अगर मैंने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को गलत माना होगा तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब यही होता है कि जो डायरेक्शन आपने मानी है वो गलत मानी है, एक्सेलरेशन उसके एक्चुअल उस डायरेक्शन में ना लग के उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसे मैंने डायरेक्शन किधर मानी है, नीचे की तरफ, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। देखो अगर मैं यहाँ से इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, नीचे वाले फोर्स कितने, देखो अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो उसका मतलब ये फोर्स बढ़ा रहा होगा ये वाला। तो देखो उसको लिखेंगे, पहले डाउनवर्ड वाले फोर्स लिख लेते हैं 6g sin 30, और एक डाउनवर्ड ये भी लग रहा है यहाँ पे 18 N। ये तो हो गया डाउनवर्ड। अपवर्ड फोर्स देखो ये लग रहा है अपवर्ड, इसको लिखेंगे -60 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 6 × a, ये लिख सकते हैं। अच्छा इसको कैलकुलेट अगर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 × 10, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, और प्लस ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा -60 इक्वल टू 6 × a। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5, ये हो जाएगा 30 + 18 - 60 इक्वल टू 6 × a। तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे ये आएगा 18 - 30 इक्वल टू 6 × a। तो 6 से डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, यानी a की वैल्यू कितनी आएगी -2 m/s². अब एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मेरे पास आई वो आई है निगेटिव, वो आई है निगेटिव। निगेटिव का मतलब कि अगर मैंने डायरेक्शन नीचे मानी थी तो मैंने गलत डायरेक्शन मानी, एक्चुअल में ये सिस्टम मूव किधर करेगा, सिस्टम मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बट एक डायरेक्शन जो आपने मान ली उसी को मान के अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल लिया -2 m/s², तो इसको नोट करें आप, फिर इसको हटा के फिर आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए
ये आ गया माइनस टू, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ उसको। अब अलग अलग ब्लॉक का एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू को आपको ध्यान रखना है, ए की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो आई है माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो 3 kg और 2 kg, तो एक बात आपको यहाँ पे फील होगी कि जैसे ही 2 kg वाले ब्लॉक को यहाँ पे रखा होगा, देखो पहले तो 3 kg वाला ब्लॉक होगा यहाँ पे, उसके बाद जैसे 2 kg वाले ब्लॉक को रखा होगा तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया होगा। कैसे, देखो अगर मैं दोनों का डायग्राम बनाऊं तो ये मेरे पास होगा 3 kg। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे 2 kg वाले को रखोगे तो नॉर्मल इसने लगा होगा यहाँ पे, और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 3 kg वाले ने भी 2 kg वाले पे किधर लगाया होगा नॉर्मल, अंदर की तरफ, और सेम रहेगा, सेम फोर्स रहेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। N1 3 kg वाला इसके ऊपर कितना लगाएगा, N1, है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्ट कराएंगे। अब इन यहाँ पे इस 3 kg और 2 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, किसके लिए, 3 kg और 2 kg वाले के लिए अगर मैं अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो देखो 3 kg पे कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक तो हो रहा है N1, ये लगा दो यहाँ पे N1, एक हो रहा है 60 N अपवर्ड, ये लगा दो यहाँ पे 60 N, और क्योंकि एंगल यहाँ पे 30 degree दिया है तो एक इसके ऊपर mg sin 30 भी लगेगा, यानी 3g sin 30 किधर लगेगा, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3g sin 30। और एक्सेलरेशन किधर माना है, नीचे ही मान लेते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन हम मानते आ रहे हैं बड़े आराम से, है ना, इसको कर सकते हैं। समझ में आ रही है क्या सबको इतनी बात, ठीक है। अब 2 kg वाले ब्लॉक की तरफ अगर मैं देखता हूँ, देखो 2 kg वाले ब्लॉक का ही बना लेते हैं, 2 kg वाले ब्लॉक को अगर ध्यान से देखोगे इसके ऊपर कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, देखो एक तो इसके ऊपर लग रहा है ये N1 ऊपर की तरफ, ये N1 कौन लगा रहा है, 3 kg वाला ब्लॉक। तो अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक को देखोगे, एक 1 kg वाला ब्लॉक भी अटैच है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे भी आएगा, इसको बोल देंगे N2, और ये इसके ऊपर किधर लगाएगा, N2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। भाई जितने कॉन्टैक्ट होते हैं उतने नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आएंगे, एक नॉर्मल यहाँ पे, एक नॉर्मल यहाँ पे, इस वाले को बोल दिया N1 यहाँ पे, इस वाले को बोल दिया N2। तो एक N1 लग रहा है 2 kg वाले पे ऊपर की तरफ, जो कौन लगा रहा है, 3 kg वाला ब्लॉक। अब 1 kg वाला भी इसके ऊपर किधर लगाएगा, N2 नीचे की तरफ, किधर लगाएगा, नीचे, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, N2 फोर्स। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको, N1 यहाँ पे और N2 इधर, और एक्सेलरेशन इसका भी किधर है, नीचे ही है, और यहाँ पे भी क्या करेगा, 2g sin 30। यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, अगर फ्रिक्शन होता तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी म्यू टू N1 अप्लाई करते, बट फ्रिक्शन की यहाँ पे कोई बात इसने नहीं करी है। तो ये मेरे पास हो गए 2 ब्लॉक। अब यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं, तो देखो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, N1, ये एक्सेलरेशन नीचे तो ये फोर्स बड़ा होगा, N1 माइनस 60 N1, या फिर इसको एक साथ लिख लेते हैं, ये N1 होगा डाउनवर्ड, और एक फोर्स ये भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3g sin 30। तो N1 प्लस 3g sin 30 और माइनस ये होगा 60 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 3 × a, इसको बोलने के इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। अब इक्वेशन 2 को जरा ध्यान से देखो यहाँ से, तो 2 kg वाले के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी एक्सेलरेशन नीचे, ये कितना हो जाएगा 2g sin 30 और प्लस N2 माइनस N1 इक्वल टू 2 × a, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गए यहाँ पे, 1 kg वाले की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 2 kg 1 kg वाले के बीच में फोर्स पूछा है, वो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो 1 वाली इक्वेशन है इसको देखो जरा, जो 1 वाली इक्वेशन है यहाँ पे मैं ए की वैल्यू रख सकता हूँ, ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली यहाँ से, माइनस 2 m/s². अभी इससे पहले हमने निकाला था एक्सेलरेशन माइनस 2, यहाँ पे रखो जरा, ये हो जाएगा N1 प्लस, तो ये कितना होगा 30, जी की वैल्यू 10 रखेंगे, 30 sin 30 1/2 हो जाएगा डिवाइड बाय 2, और माइनस 60 इक्वल टू 3, कॉमन एक्सेलरेशन कितना आया था माइनस 2। तो N1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, N1 प्लस ये हो जाएगा 50, ये कितना होगा यहाँ से 15 और माइनस 60 और इक्वल टू माइनस 6। तो N1 ये कितना होगा माइनस 45 इक्वल टू माइनस 6, तो N1 कितना आएगा 45 माइनस 6, यानी N1 कितना आएगा 39 N, कितना आएगा नॉर्मल रिएक्शन 39 N, यानी N1 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, कहाँ से, इधर से, कितनी आई है 39 N। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी पूछी थी, अगर मुझसे इन दोनों के बीच में अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछता तो आंसर ये हो जाता, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन पूछा किसके बीच में, 2 kg और 1 kg वाले ब्लॉक के बीच में। तो ये नोट करो, फिर इसके बाद निकालते हैं इसको, चलिए इधर से मैं हटा देता हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने, N1 कितना है 39 N। चलिए अब इस 39 N की वैल्यू को मैं कहाँ पे रखूँगा, इक्वेशन 2 में रखेंगे, है ना, फिर निकाल सकते हैं बड़े आराम से इस N1 की वैल्यू को, 39 N को कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में। तो रखो ये कितना हो जाएगा 20 और sin 30 1/2, इसको लिख दूंगा मैं सीधा, जी की वैल्यू 10 और अच्छा प्लस यहाँ पे होगा N2 और माइनस 39 इक्वल टू 2, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 मैंने निकाली थी, ये हो जाएगा यहाँ से 10, तो कितना बचेगा N2 माइनस 29 प्लस 10, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 4। N2 कितना आएगा यहाँ से 29 माइनस 4, तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 25
न्यूटन। तो ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक। तो आप ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे मेंशन किया गया होगा। तो अगर मैं ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ, तो ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया है 25 न्यूटन, देन 25 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हालांकि इससे पहले सवाल में 2 ब्लॉक वाले प्रॉब्लम्स को हमने सोल्व किया है, ठीक है। तो 3 ब्लॉक आएगा तो उस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल मेरे पास था नीट 2022 में, नहीं लास्ट ईयर में ही सवाल को यहाँ पे पूछा था एग्जाम में। तो बड़ा सिंपल सवाल था, इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलिए थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं कैसे सवाल पूछे हैं यहाँ पे। अभी हम खाली उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो प्योर NLM के बेस पे हैं। हालांकि लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो सब भी कई बार इस तरह के सवाल भी देता है, बट उसको हम जब लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे तो वहीं पर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे दिया है, नीट 2020 में सवाल पूछा था, 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मुझे दी है मासलेस। द स्ट्रिंग पासिस ओवर अ पुली विच इज फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट नहीं हुआ है। द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यानी सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन बताना है और जी की फॉर्म में बताना है आपको, है ना, जी के टर्म में आपको आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो सिंपल सवाल है, एक पुली यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से, ये बना लेते हैं, ये इस तरीके से कनेक्ट है इधर, है ना, फ्रिक्शनलेस है पुली और पुली मासलेस है यहाँ पे। ये मुझे दिया है स्ट्रिंग, यहाँ पे मासलेस दिए 4 kg और ये कितना दिया है यहाँ पे, ये कितना दिया यहाँ पे 6 kg, है ना। ये कहाँ क्वेश्चन पूछा था, नीट, लिख देता हूँ मैं 2020, ओके। तो सिंपल सवाल है, एक पुली होगी तो टेंशन भी कैसा होगा, सेम होगा। तो टेंशन कहाँ लगता है, कॉन्टैक्ट से दूर की तरफ। नीचे क्या लगेगा यहाँ पे mg, ये सवाल करते आ रहे हैं बचपन से सब लोग। टेंशन लगेगा टी ऊपर और 6g किधर लगेगा, नीचे। ये थोड़ा हैवी है तो इसका एक्सेलरेशन मान लेंगे नीचे और इसका एक्सेलरेशन किधर मान लेंगे, ऊपर, ठीक है। इक्वेशन लिख लेंगे बस सिंपल, ये कितना हो जाएगा 6g माइनस टी इक्वल टू 6 into a, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। वहाँ से क्या लिखेंगे, देखो टी बड़ा है, टी माइनस 4g इक्वल टू 4 into a, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। ये लिख सकते हैं एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से, और दोनों यहाँ पे कैसे होंगे, दोनों को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ऐड करेंगे तो टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2 into g इक्वल टू 10 into a। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2g/10 और ए कितना आएगा, g/5, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन मैंने मानी है इसके बिल्कुल सही मानी है। 6 kg वाला ब्लॉक मूव करेगा डाउनवर्ड, 4 kg वाला ब्लॉक मूव करेगा अपवर्ड। तो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें कोई ना कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे मेंशन किया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया है g/5, इट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लिख लिया होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ उधर से, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या दिया है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है स्टेटमेंट की फॉर्म में, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आपको इनकरेक्ट बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी इनमें से कोई 3 करेक्ट होंगे और 1 होगा इनकरेक्ट। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये बताना है करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट। देखो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जैसे कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है सर्कुलर, यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे इसका कैसा कॉन्टैक्ट होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। कैसा कॉन्टैक्ट होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट, ऐसा मान सकते हैं। और जो मेरे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, है ना, इस तरीके से स्लाइडिंग होगा इस तरीके से, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कैसा रहता है, यहाँ पर रहता है लाइन कॉन्टैक्ट। कैसा कॉन्टैक्ट रहता है, लाइन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट अगर आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा मिलेगा, और जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट मिलेगा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। तो पॉइंट कॉन्टैक्ट पर कम होगा फ्रिक्शन और लाइन कॉन्टैक्ट पर ज़्यादा, इसलिए स्लाइडिंग के अंदर जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी स्लाइडिंग, वो मोर होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन, एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहला ऑप्शन जो यहाँ पे इन्होंने दिया है, पहला ऑप्शन जो उन्होंने दिया वो खुद बोला है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, रोलिंग फ्रिक्शन लेस होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये तो करेक्ट है। बी देखो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, ये होता है एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, यही तो होता है। तो यहाँ से जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, नॉर्मल रिएक्शन के, यही तो होगा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
जिसको मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नॉर्मल रिएक्शन के भी सही है। फ्रिक्शन फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही बात है भी, कि जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो अपोज तो करेगा अप्लाइड फोर्स को, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा सी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन में क्या दिया, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। ये शायद थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर मैं देखूंगा तो इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो म्यू की वो ऑप्शन में बोलना चाहता है कि म्यू का जो डायमेंशन है वो लेंथ के बराबर होता है। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। तो देख लेते हैं म्यू की जो डायमेंशन है एल के बराबर होगी या नहीं होगी। देखो ये तो फोर्स है, फोर्स कितना होगा एम एल टी माइनस टू, ये होगा म्यू, एन क्या होगा फोर्स, ये भी फोर्स है तो ये भी कितना होगा एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ से अगर आप देखोगे दोनों साइड बराबर हैं तो म्यू की जो डायमेंशन आएगी कितनी आएगी, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो और टी की पावर जीरो, कितनी आएगी एम की पावर जीरो। तो डायमेंशन लेस हो गया भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा हो गया, डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं मिलेगा, तो डी ऑप्शन जो मुझे दिया है वो गलत दिया है, लेंथ की कोई डायमेंशन नहीं मिलेगी, डायमेंशन लेस नंबर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लिख लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, नीट 2018 का क्वेश्चन था यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया देख लेते हैं एक बार। चलिए तो नेक्स्ट सवाल में मुझे दिया है, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस ऑन अ स्मूथ इनक्लाइन वेज, यानी कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगा, स्मूथ इनक्लाइन प्लेन है एबीसी, एक वेज आपको दिया एबीसी, एबीसी ऑफ इनक्लाइनेशन क्यू, ये क्यू नहीं है वहाँ पे, क्यू को रिप्लेस कर लेना थीटा से, है ना। क्यू का मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है वो, कि थीटा, है ना, एंगल आपको दिया है। तो थीटा शोन इन फिगर, द वेज इज गिवन एन एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स द राइट। अच्छा ओके, द रिलेशन बिटवीन ए यानी एक्सेलरेशन एंड क्यू फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो एक्सेलरेशन और थीटा, इनके बीच में रिलेशन मुझे बताना है। तो आपको जो डायग्राम यहाँ पे दिया है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरीके से डायग्राम दिया है, है ना, इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम दिया है और इस एंगल को बोला है थीटा और स्मॉल एम का ब्लॉक इस तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, मास एम इज प्लेस ऑफ स्मूथ इनक्लाइन प्लेन वेज ए बी सी, है ना, और ये कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ए से आ गया, रस्तों कोई भी मास यहाँ पे नहीं बताया गया है, बस ये ब्लॉक का मास बोला कि कितना दिया स्मॉल एम। तो आपको बताना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन और थीटा में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, और कंडीशन क्या दी है कि इसको कितने एक्सेलरेशन, देखो सवाल ये दिया है कि इस वेज को ये सरफेस अगर यहाँ पे होगी तो कितने एक्सेलरेशन से मूव कराएं, यानी कितने एक्सेलरेशन से इस वेज को आगे की तरफ ले करके जाएं, इस वेज को आगे की तरफ लेके जाएं, जिससे कि एम मास का जो ब्लॉक है वो इस वेज के ऊपर स्टेशनरी कंडीशन में रहे, कहीं भी मूव ना करे। ठीक है, तो ये सवाल है। तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे, सूडो फोर्स लगा के बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो सूडो फोर्स लगाने का मतलब कि आप इस फ्रेम से इसको ऑब्जर्व करो जो फ्रेम किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, पहले सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका जो एम जी होगा वो कहाँ लगेगा, वो तो नीचे लगेगा, और ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना आएगा थीटा, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कई बार हम देख चुके हैं। इसका अदर कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा एम जी साइन थीटा, ये कहानी होगी। अब अगर आप इसके ऊपर एक एक्सीलेटर फ्रेम में अगर आप चले गए तो ब्लॉक के ऊपर क्या लगेगा, सूडो फोर्स, और किस डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और सिस्टम किस पे पहुंच जाएगा, रेस्ट पे पहुंच जाएगा। तो अगर ए इधर है तो ये भी किधर लेगा एक्सीलेशन, इधर लेगा सूडो फोर्स, सूडो फोर्स मतलब एम इंटू ए, ये राइट में जाएगा तो सूडो फोर्स किधर लेगा, लेफ्ट में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस तरीके से सिंपल लाइन ड्रॉ करता हूँ, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा होगा, देख सकते हो आप। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अब इसका कंपोनेंट कर सकते हैं, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा बोलो, ये आएगा एम ए कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा, अच्छा एक कंपोनेंट आएगा एम ए कॉस थीटा, और एक यहाँ से कितना आएगा 90 पे, ये आएगा एम इंटू ए साइन थीटा, है ना, एक आएगा इधर एम ए कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा एम ए साइन थीटा। अब क्योंकि अगर ये ब्लॉक मूव नहीं करना चाहता है ना, ब्लॉक को किस कंडीशन में रखना है, रेस्ट पे रखना है, तो रेस्ट कहाँ से मिलेगा, यानी ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये फोर इक्विलिब्रियम है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हम फोर इक्विलिब्रियम, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगा, तो ये जो नॉर्मल लगा है ना, ये नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ ये लगेगा नॉर्मल। इस नॉर्मल के रिक्वायरमेंट तब होते अगर फ्रिक्शन फोर्स भी लगता, फिर हमें देखना पड़ता कि म्यू एन कहाँ पे लगे, बट ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं करी गई है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस यहाँ पे दी है। तो फोर इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये जो एम ए कॉस थीटा है ये किसके बराबर होना चाहिए, एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, तभी ये कंडीशन रेस्ट पे रह सकती है, तभी ये ब्लॉक रेस्ट पे यहाँ पे रह सकता है। तो देखो एम से एम कैंसिल, तो ए कितना आएगा, यहाँ से ए आएगा जी साइन थीटा बाय
कॉस थीटा, है ना। तो ए कितना हो जाएगा जी, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो ऐसे कोई वैल्यू आपको ऑप्शन के अंदर दी होगी जरूर, देख लेते हैं आप एक बार। तो ऐसे कोई वैल्यू आपको दी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको दिया है, ए इक्वल टू जी टेन थीटा, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए ये लिख लिया होगा सबने, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा जी टेन थीटा। चलिए हटा देते हैं, एक और सवाल देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चंस आप देख रहे हो कि बड़े सिंपल सवाल पूछे जाते हैं नीट में, तो अगर आपने एनएलएम थोड़ा सही से पढ़ा है तो हर एक सवाल को बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। आपके नोट से कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आने वाली है। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं, ये नीट 2017 के अंदर क्वेश्चन ने पूछा था। तो दो ब्लॉक मुझे यहाँ पे दिए ए एंड बी, जिनका मास कितना है 3m एंड m। ब्लॉक ए का मास दिया है 3m और ब्लॉक बी का मास दिया है m। कनेक्टेड बाय मासलेस स्ट्रिंग, द वूल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग दिए, एक स्ट्रिंग दिए, तो स्ट्रिंग को अगर कट करेंगे तो उस केस में कट होने के बाद दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू मुझे बतानी है। किस टर्म में बतानी है, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो जी की फॉर्म में आपको आंसर बताना है। ठीक है, इस तरह के सवाल कटिंग इन द स्प्रिंग के अंदर हम कर चुके हैं, तो देख लेते हैं इस सवाल को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। इस तरीके से बना लेते हैं, सिंपल सवाल है। तो यहाँ पे क्या दिए, एक स्प्रिंग दिए इस तरीके से, है ना, स्प्रिंग दिए, और यहाँ पे मास क्या लगा है, अगर आप देखोगे ए का मास दिया है 3m और नीचे मास कितना दिया है, ये मुझे दिया है स्मॉल m। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं कटिंग, स्प्रिंग को कटिंग करने से पहले थ्री बॉल डायग्राम बना लेते हैं सिंपल। तो देखो यहाँ पे देखोगे तो, और सिस्टम किस में इक्विलिब्रियम में है, तो नीचे क्या लगेगा mg, और टेंशन किधर लगेगा t ऊपर, क्योंकि रोप ए गए तो यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा t, और mg किधर लगेगा नीचे कितना 3m into g, और ऊपर क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी kx के बराबर होगी। ये कर सकते हैं। अच्छा, अगर m का फ्री बॉल डायग्राम अगर आप बनाओगे, m ब्लॉक का फ्री बॉल डायग्राम अगर बनाओगे, तो साइड में बना देता हूँ, देखो m ब्लॉक नीचे वाला, टेंशन लगेगा t ऊपर, mg किधर लगेगा नीचे, तो t किसके बराबर आएगा, यहाँ से t बराबर आएगा mg के, है ना, t किसके बराबर आएगा mg के। और अगर मैं यहाँ पे 3m का बनाता हूँ, देखो 3m का डायग्राम बनाएंगे तो 3m की कहानी क्या होगी, ऊपर लगेगा यहाँ पे k into x 3m वाले पे, नीचे लगेगा यहाँ पे 3m into g, और टेंशन लगेगा t नीचे, है ना, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो मैं लिख देता हूँ इधर, यहाँ से तो यहाँ पे लिखेंगे kx इक्वल टू कितना होगा 3mg plus t। तो kx किसके बराबर हो जाएगा 3mg plus, kx इक्वल टू 3mg plus t, और kx इक्वल टू का 3mg plus t, t की वैल्यू कितनी यहाँ पे mg, तो रख सकते हैं mg यहाँ पे। तो kx किसके बराबर आएगा, kx बराबर आएगा 4mg, यानी स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी 4mg के बराबर होगी। अब सवाल में बोला कि अगर स्ट्रिंग को, देखो ये तो कहानी हमने निकाली कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा 4mg के बराबर होगा, फिर उसने बोला कि स्ट्रिंग को कट अगर कर देंगे दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। कट होने का मतलब ये देखो, एक बार और बना लेता हूँ इसको इधर, तो देखो ये स्प्रिंग यहाँ पे लगी है इस तरीके से, तो यहाँ पे कितना है मास 3m, ये कितना है यहाँ पे, ये मेरे पास m, तो किसको कट कर रहा है, इस स्प्रिंग को कट कर रहा है इधर, इसको कट करेगा तो देखो कट होने के बाद कहानी क्या होगी, तो टेंशन तो इसमें कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कट होने के बाद स्ट्रिंग में एकदम से टेंशन कितना होता है, जीरो होता है। अब देखो जरा इसका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगे तो 3m वाले का देखो क्या होगा, 3m वाले का ब्लॉक अगर डायग्राम बनाओगे, इसको मैं अलग से बना देता हूँ इधर, तो देखो जरा क्या कहानी होगी, 3m वाले पे ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स kx, है ना, वो कितना होगा 4mg, क्योंकि जैसे स्प्रिंग कट होती है, तो जैसे स्प्रिंग कट होगी तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, 3m वाला ऊपर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन को बोल देंगे a1, किधर जाएगा ऊपर। तो कट होने के बाद स्प्रिंग में एकदम से फोर्स जीरो नहीं होता है, स्प्रिंग किधर जाएगी ऊपर की तरफ, स्प्रिंग किधर जाएगी ऊपर की तरफ, अगर इस स्ट्रिंग को यहाँ पर कट करोगे। अगर यहाँ पर स्प्रिंग ना होती और यहाँ पर स्प्रिंग होती, अगर स्प्रिंग ना होती और स्ट्रिंग होती तो ब्लॉक मूव ना करता, 3m वाला ब्लॉक एज इट इज इसी कंडीशन में फिक्स रहता है इक्विलिब्रियम में, ये ऊपर मूव ना करता, लेकिन ऊपर मूव क्यों करेगा, जैसे कट होगा स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर, उसको किधर लेके जाएगा ऊपर की तरफ, है ना, ये होगा। और यहाँ पर तो टेंशन जीरो है, तो यहाँ पर क्या लगेगा 3m into g, और जो टेंशन यहाँ पे होगा वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग इसको कट किया है। तो कहानी देखो क्या होगी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स किधर होगा ऊपर 4mg, है ना, और नीचे कितना होगा माइनस 3mg, और यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन 3m और इनटू a1, ये लिख सकते हैं। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4g माइनस 3g डिवाइड बाय 3 इक्वल टू a1, तो ये कितना हो जाएगा a1, कितना आएगा यहाँ से a1 आएगा g बाय 3g, और किस डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो ये मेरे पास आ गया a1।
ठीक है, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, यानी 3m वाला जो ब्लॉक होगा वो g/3 से मूव करेगा। ये निकाल लिया हमने, अब सिंपल m वाले का भी निकाल लेते हैं। देखो m को मैं इधर कर देता हूँ सिंपल, ये वाला जो m है, तो m वाला अगर आप देखोगे तो इसमें एक टेंशन है ऊपर, ये तो हो जाएगा 0 क्योंकि स्ट्रिंग कट हुई है यहाँ पे, और नीचे क्या लगेगा mg भाई, ये वाला देखो m, ये वाला इसमें टेंशन हो जाएगा 0 और mg लगेगा नीचे, और ये किधर भागेगा, नीचे की तरफ जाएगा m वाला, जैसे स्प्रिंग कट होगी नीचे जाएगा इस तरीके से। तो नेट फोर्स कितना होगा, mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m से m कैंसिल, ये किधर आएगा g, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, इसको A2 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देंगे A2। तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी, g, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g/3 और स्मॉल g। ये देख लेते हैं ऑप्शन कोई दिया है क्या यहाँ पे, तो अगर आप ऑप्शन देखोगे यहाँ पे तो g और एक्सेलरेशन A1 कितना 3m का g/3, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर A 3m वाले का हो जाएगा g/3 और m वाले का कितना हो जाएगा स्मॉल g, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आई होप ये आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो इसको नोट कर लिया, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, तो यहाँ पे A2 वैल्यू आएगी g डाउनवर्ड और A1 आएगा g/3 अपवर्ड, तो ये मैं हटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है मुझे, ये हटा देते हैं इधर से। आइए जरा करते हैं सवाल को सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन ने मुझे दिया है, ये AIPMT 2015 में पूछा था, पहले एक नीट और एम्स अलग अलग होते थे, तो नीट का जो एग्जाम था उसको बोलते थे AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। 2015 में क्वेश्चन पूछा है, अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट एंड वन एंड इज ग्रेजुअली रेज अबाउट द अदर एंड, एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीच 30 डिग्री, द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकंड। तो आपको इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं और देख लेते हैं फिर डाटा मुझे क्या क्या दिया है यहाँ पे। तो ये एंगल मुझे कितना मेंशन किया गया है, ये मुझे एंगल दिया है यहाँ पे 30 डिग्री, और एक एम मास का ब्लॉक यहाँ पे रखा है जिसका मास कितना दिया है, ओके इसका मास वगैरह कुछ नहीं दिया, बस सिंपल बोला कि भैया यहाँ से जो एम जी होगा वो किधर एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। और यहाँ पे जो दिया है, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया है इसको मेंशन इसने किया है यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस यहाँ पे ये कितना दिया है 4 मीटर, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का वो कितना दिया 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है ना, ये एम मास का ब्लॉक है, और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है इसका वो कितना दिया है, टी इक्वल टू 2 सेकंड, कितना दिया 4 सेकंड दिया, सॉरी टी इक्वल टू कितना दिया है 4 सेकंड। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि यहाँ पे स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल तरीके से आपको बताना है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात करेगा, किसकी बात करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, तो बड़ा सिंपल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं, जैसे इसने सवाल में मेंशन किया गया है, सवाल में इसने क्या बोला है, प्लैंक ऑन अ बॉक्स एट एंड ग्रेजुअली रेज अबाउट द अदर एंड, है ना, रेज ऑन द अदर एंड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल रीच 30 डिग्री, द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप, है ना, कि जैसे एंगल 30 डिग्री होगा, जस्ट स्टार्ट होने वाला, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अगर स्टार्ट होने वाला है तो किस फ्रिक्शन की बात करेगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करेगा, तो वहां पे जो एंगल ऑफ रिपोज होगा किसकी बात करेगा, एंगल ऑफ रिपोज, तो म्यू इक्वल टू किसके बराबर होगा 10 थीटा, ऐसे भाई जैसे जस्ट स्लाइडिंग वाली कंडीशन होगी तो एंगल ऑफ रिपोज की बात होगी, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, यानी इससे थोड़ा सा भी अगर ऊपर करेगा तो ब्लॉक किधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये मेरे पास क्या है स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो 10, ये कितना हो जाएगा, एंगल दिया 30, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 10 30 होता है 1/√3, यानी क्या होगा 1/, ये कितना होगा √3 कितना होता है 1.732, ये वैल्यू होती है, तो म्यू एक्स अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 0.6 के आसपास आएगा, कितना आएगा स्टैटिक 0.6, वैल्यू 0.578 के आसपास आएगी, तो उसको अप्रॉक्सीमेट कितना मान सकते हैं 0.6 के बराबर मान सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सवाल है काइनेटिक कैसे निकालें, तो देखो जैसे ही ब्लॉक नीचे करना स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, तो देखो यहाँ पे कहानी क्या होगी कि अगर एंगल 30 है और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी होगा 30, और कंपोनेंट कितना आएगा mg cos 30, और इधर कितना आएगा mg sin 30, यही होगा। और अगर ये नीचे मूव करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स, क्या एक्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, क्योंकि एक काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मोशन में आ गया है ब्लॉक, तो क्या लिखेंगे μk (n), क्या लिखेंगे μk (n), और नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन किधर लेंगे, नीचे की तरफ। इसी μk की वैल्यू मुझे बतानी है यहाँ पे कितनी होगी, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया होगा आपको, mg sin 30 लगेगा नीचे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे मूव करेगा तो एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या करते हैं,
यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन की बात करूँगा, देखो ये दिया 4 मीटर, तो पहले इस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? इस ए की एक्सेलरेशन की। वो कैसे निकालेंगे? देखो, तो अगर बी पार्ट की मैं बात करता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कॉन्स्टेंट होगा, तो इस पार्ट से लेके ए से लेके नीचे बी तक ये लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है ये? 4 मीटर। ये पूरा का पूरा 4 मीटर है, और इनिशियल ब्लॉक को रेस्ट पर रखता था, ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ, ये हो जाएगा ए। और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? टी दिया 4 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर। तो देखो ये कितनी वैल्यू आएगी, 4 इक्वल टू ए बाय 2 इंटू ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8। तो ए कितना आएगा यहाँ से? 4 बाय 8, यानी कितना आएगा? 1 बाय 2, यानी ए कितना आएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5, यानी कितने एक्सेलरेशन नीचे मूव करेगा ब्लॉक? 0.5 से मूव करेगा। अब बस यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा के इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आप नोट करो, फिर इसको उठाकर यहाँ पे नीचे करते हैं सवाल को सॉल्व। चलिए मैं हटा देता हूँ उधर से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.6। देखते हैं जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी। तो इसके बाद जरा अगर मैं इक्वेशन वहाँ पे लिखता हूँ दूसरी साइड में, तो देखो कितना है, इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस ब्लॉक के लिए, इनक्लाइन के लिए, क्योंकि नीचे जा रहा है तो ये फोर्स बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे इसको? mg sin 30 माइनस म्यू के इंटू एन, ये होगा म्यू के, और एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? देखो नॉर्मल लगेगा ऊपर, तो नॉर्मल किसके बराबर आएगा? ये आएगा mg cos 30। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? mg cos 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास, और ये आएगा ए। तो मास तो तीनों में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से? 10 sin 30 होगा 1 बाई 2 माइनस म्यू के, ये होगा यहाँ पे जी की वैल्यू 10, और कॉस 30 कितना होगा? √3/2। यहाँ से कितना बचेगा? ए बचेगा। ए की वैल्यू कितनी होगी? ये मैंने निकाली थी, ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 0.5। ए की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये कितना आएगा? 5 माइनस 5 √3 into μk, ये हो जाएगा 0.5, ये बचेगा। इसको उधर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा? 4.5 इक्वल टू 5 √3 into μk। तो μk की वैल्यू कितनी आएगी? 4.5 / 5√3। तो यहाँ से जब μk को आप सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 0.5 के आसपास। कितना आएगा? 0.अप्रोक्सीमेट आएगा कितना? 0.5 के आसपास। तो यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0.6, और काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 0.5। तो ऐसा ऑप्शन देख लो, कहीं आपको दिया होगा इसके अंदर। तो ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है 0.6 और 0.5। तो इस तरीके से यहाँ पे म्यू एस और म्यू के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा, तो म्यू एस 0.6 और म्यू के 0.5, ये मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है मुझे, थोड़ा बढ़ते हैं आगे। देखते हैं क्या दिया है। तो एक क्वेश्चन आपको दिया है, द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ। एक फोर्स और टाइम ग्राफ आपको दिया है, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकंड। तो एक ग्राफ आपको दिया है, मैं बना देता हूं इधर से, इस तरीके से आपको ग्राफ दिया है। तो ऊपर दिया है यहाँ पे फोर्स, ऊपर क्या दिया आपको? फोर्स दिया है ना, किस में? ये फोर्स दिया है न्यूटन में, और ये आपको दिया है यहाँ पे डिस्टेंस, क्या दिया है? एक्स। ये टी दिया है, सॉरी, कितना दिया यहाँ पे? टाइम, फोर्स और टाइम ग्राफ है, ये दिया है टी, और यहाँ पे जो ये दिया है यहाँ पे 3, यहाँ पे है 0, और यहाँ पे कितना दिया? 6 दिया है, ऊंचे कितना दिया? ये दिया है -3। तो ग्राफ को जिस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ यहाँ पे बनाया उन्होंने, यहाँ पे और नीचे कहाँ से कहाँ तक? नीचे यहाँ पे 3 तक, ऊपर, और फिर ऐसा कहाँ तक? 3 तक, ये गया इधर यहाँ पे, उसके बाद इधर, और फिर इधर, ये ग्राफ यहाँ पे दिया है। और ये दिया है 8, ये दिया है यहाँ पे बिटवीन, दिया है 6, ये दिया है 4, और ये दिया है यहाँ पे 2 इस पॉइंट पे। और आपसे क्या पूछा है? 0 to 8 सेकंड के लिए आपसे पूछा है यहाँ पे फोर्स एक्टिंग द चेंज इन मोमेंटम। क्या पूछा है? चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी की वैल्यू आपसे पूछी है कितनी होगी। डेल्टा पी से डिफाइन करते हैं मोमेंटम को। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो फोर्स और टाइम का अगर ग्राफ दिया होगा, तो अप्लाइड फोर्स इक्वल टू क्या होता है? बाय यूजिंग ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डी पी की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे? डी पी किसके बराबर आएगा? डी पी बराबर आएगा यहाँ पे एफ इंटू डी टी। इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन अगर करोगे तो इसका मतलब क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। क्या मतलब होता है इसका? एरिया अंडर कर्व, यानी एफ और टी के बीच का जो ग्राफ होगा, उसका जो एरिया होगा, मुझे क्या देगा यहाँ पे? चेंज इन मोमेंटम देगा। ये वैसे ही जैसे अब आपको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मेरे पास होता है, एक्सेलरेशन वो कितना होता है? डी वी बाई डी टी। तो यहाँ से डी वी कितना आ जाएगा? डी वी हो जाएगा ए इंटू डी टी।
ये कर सकते हैं ना, तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है मुझे क्या देता है, स्पीड देता है। तो उससे यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का एरिया मुझे वेलोसिटी देगा, तो उसको यहाँ से क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो बस ये निकाल सकते हैं सिंपल। तो देखो एरिया अगर मैं निकाल दूंगा, तो एरिया निकालने का मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, मोमेंटम मिल जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी। तो देखो एरिया कितना दिख रहा है, एक है यहाँ पे वन, एक है यहाँ पे टू, और एक यहाँ पे है थ्री। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, सिक्स तक, ये कहाँ से कहाँ तक है, थ्री तक। तो फर्स्ट वाले को अगर आप देखोगे ट्रायंगल जैसा दिखेगा, तो ट्रायंगल कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ये होगा हाफ। बेस कितना है ये, टू माइनस जीरो, और हाइट कितनी होगी, ये होगी सिक्स, है ना। और प्लस सेकेंड वाला ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो उसको लिख, अच्छा नीचे क्योंकि ये जो एक्सेस बनी है उससे नीचे की तरफ है, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा माइनस। और बेस, बेस कितना होगा, फोर माइनस टू, और हाइट कितनी होगी यहाँ पे, हाइट होगी थ्री। चाहो तो आप इसको प्लस लगा लो, यहाँ पे माइनस कर लो, एक ही बात है ना। फोर प्लस फोर माइनस टू हो जाएगा टू, और हाइट कितनी हो जाएगी, माइनस थ्री आ जाएगा एरिया। प्लस ए थ्री देखो कितना दिया होगा, एट माइनस फोर, बेस कितना हो जाएगा, एट माइनस फोर, और हाइट कितनी होगी यहाँ पे, ये थ्री तक दिया है यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, थ्री हो जाएगा। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, देखो ये टू से टू कैंसिल, कितना बचेगा सिक्स, और ये आएगा माइनस, ये आएगा सिक्स, और प्लस ये आएगा ट्वेल्व, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आएगी, ट्वेल्व, कितना आएगा मोमेंटम, ये आएगा 12 न्यूटन, 12 उसके बाद आएगा न्यूटन और सेकंड, है ना। ये यूनिट किसकी होती है, मोमेंटम की, तो 12 न्यूटन सेकंड। तो 12 यहाँ पे आएगा आंसर, देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे, 12 न्यूटन सेकंड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, एरिया यूज़ करके मोमेंटम के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नोट कर लिया आपने, डेल्टा पी की वैल्यू कितना आ चुकी है, 12 न्यूटन सेकंड, तो उसको हटा देता हूँ मैं। चलिए चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं क्या सवाल पूछा है। तो क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, अपर हाफ ऑफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल लोअर हाफ इज रफ। तो एक इंक्लाइन प्लेन दिया है जिसमें आधा पार्ट तो रफ है और आधा पार्ट स्मूथ है। अब लोग स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय। तो जो बॉटम आधा जो पार्ट है जो रफ है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, ये वैल्यू मुझसे यहाँ पे पूछिए, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आपके पास आए, इसको पहले डायग्राम बना दो। तो देखो जरा यहाँ पे, अगर डायग्राम हम बनाते हैं तो रफली तो कुछ ऐसा दिखेगा ये, है ना। ये एंगल कितना हो गया थीटा, ये एंगल कितना हो गया थीटा, समझ में आ रही बात। तो हाफ का यहाँ पे मान लेते हैं, अगर ये पूरी लेंथ यहाँ पे होगी, इसको क्या मान लेंगे, हाफ। तो इस वाले डिस्टेंस को मैं एस बोल देता हूँ, सिंपल क्या बोल देता हूँ, एस बोल दो, एक्स कुछ भी मान सकते हैं, है ना। जैसे इनिशियली ब्लॉक कहाँ पे, यहीं पे रखा है इनिशियली ब्लॉक, तो ये हो गया ए, ये हो गया यहाँ पे बी, और ये कितना हो गया सी, ठीक है। ये बात समझ आ रही होगी सबको। और इस डिस्टेंस को कितना बोल देंगे यहाँ से, इसको बोल दूंगा मैं एक्स बाय टू, और इसको कितना बोल देंगे, इसको बोल देंगे रिमेनिंग एक्स बाय टू, है ना। ये हाफ है ना दोनों साइड में, तो इसको x बाय टू मान लिया, इसको x बाय टू मान लिया। और ये सरफेस है स्मूथ, ये कैसी सरफेस है, स्मूथ, क्योंकि स्टार्टिंग की जो हाफ सरफेस है उसने स्मूथ बोली है। और ये वाली सरफेस कैसी है, मेरे पास रफ सरफेस है। तो पहले ए बी पार्ट के लिए सोल्व करेंगे, किसके लिए, ए बी पार्ट के लिए, है ना, तो उसके बाद देखेंगे बाकी पार्ट को। तो देखो जरा इधर सोल्व करते हैं, पहले मैं ए बी पार्ट के लिए करता हूँ। तो देखो ए बी पार्ट के लिए, देखो ब्लॉक तो नहीं चली रेस्ट पे, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी होगी, जीरो। और मैं मान लेता हूँ कि जब स्मूथ सरफेस है और ये रफ सरफेस है, तो देखो अगर स्मूथ होगी यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा अलग और यहाँ पे मिलेगा अलग, है ना। तो ब्लॉक जैसे कहीं बीच में पहुँचेगा यहाँ पे, है ना, ऐसा मान लेते हैं कि ए से बी के बीच में होगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, एम जी लगेगा नीचे, और एंगल कितना होगा थीटा, यहाँ पे कितना आएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो नॉर्मल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, अगर फ्रिक्शन होता तो यहाँ पे नॉर्मल की जरूरत पड़ती। तो ए से बी वाले में अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, देखो नीचे मूव करेगा ना, तो ए किधर होगा, नीचे, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स यहाँ पे कितना है, एम जी साइन थीटा, ए की फोर्स लग रहा है, और मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए, यही होगा, एम से एम कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, जी साइन थीटा। ये ए से लेके बी का एक्सेलरेशन होगा कितना, जी साइन थीटा। आराम से करेंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा ए, और ब्लॉक कहाँ पे पहुँचेगा, बी पे। तो जब ब्लॉक बी पे पहुँचा, तो यहाँ पे स्पीड मैंने कितनी मान ली इसकी, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो स्पीड थोड़ी कम या ज़्यादा होगी, तो सेम नहीं रहेगी, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कितनी मान ली, वी स्पीड, कितनी मान ली मैंने, बी पॉइंट पे वी स्पीड। तो ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन क्योंकि कॉन्स्टेंट है, थीटा भी कॉन्स्टेंट और जी भी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, कहाँ से, ए से लेके बीच में, तो देखो फाइनल स्पीड कितनी है, वी स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि रफ के लिए अलग निकालेंगे, स्मूथ के लिए अलग, ये स्मूथ है, नीचे क्या है, रफ। तो पहले स्मूथ की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल स्पीड कितनी यहाँ पे, जीरो स्क्वायर प्लस टू, ए की वैल्यू कितनी होगी, जी साइन थीटा,
और डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, डिस्टेंस अगर पूरा x था तो कितना x बाय टू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x बाय टू, टू से टू कैंसिल, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से x और ब्रैकेट g साइन थीटा, इसको स्क्वायर वाली टर्म में ही रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें तो डायरेक्टली इसको स्क्वायर में ही पुट कर लेंगे। तो यहाँ से a से लेके b तक मैंने यहाँ पे देखा कि b पॉइंट की स्पीड कितनी है, x इंटू जी साइन थीटा। अब उसने सवाल में ये बोला है कि ये एंड पॉइंट पे आने के बाद जो ब्लॉक सी पॉइंट पे पहुंचता है तो इस कंडीशन में पहुंच जाता है रेस्ट की कंडीशन में, यानी यहाँ पे जो स्पीड हो जाती है वो कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब ये सरफेस अगर रफ है, जैसे बी और सी की बात करेंगे तो ये अगर सरफेस रफ दी है मुझे, कैसी सरफेस दी है रफ, तो यहाँ पे क्या एक्ट करेगा, फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, तो जैसे एम मास का ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा तो एम जी लगेगा नीचे और ये कितना होगा एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और नॉर्मल किधर आएगा, ऊपर की तरफ, और इधर क्या आएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। और किस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो सेम ही है, सेम एक्सेलरेशन के साथ किधर मूव करेगा नीचे। अब यहाँ पे क्योंकि रफ है तो अपोजिट साइड में क्या एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होगी म्यू टू एन, म्यू टू एन का मतलब म्यू एन की वैल्यू कितनी है एम जी कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। ये डायग्राम सबको समझ में आया होगा। तो बी से लेके सी के बीच में अगर कहानी में देखता हूँ, कहाँ से लेके बी से लेके सी में, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे तो नेट फोर्स देखो कितना है, नीचे है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और माइनस अपोजिट में म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एम इनटू ए, लिख सकते हैं। एम तो सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए यहाँ पे आएगा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, और माइनस म्यू इनटू जी और इनटू कॉस थीटा। ये मैंने एक्सेलरेशन निकाला कहाँ से लेके कहाँ तक, बी से लेके सी तक। अब क्योंकि अगर यहाँ पे रफ सरफेस है तो देखो स्मूथ में अलग एक्सेलरेशन आएगा और रफ में अलग मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी सबको, तो बस सिंपल अब यहाँ पे भी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस लगा के यहाँ पे म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूँ उधर से ऊपर वाला पार्ट, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू ही मुझे यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो देख लेते हैं एक बार, म्यू ही पूछा है मुझसे। हाँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ने पूछा है बिटवीन ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेन, तो इसको आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, चलिए इसको यूज़ करके निकालते हैं वैल्यू, इसको इसका यूज़ करेंगे भी, तो उसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, तो चलिए यहाँ पे अगर मैं फिर से बी और सी की बात करता हूँ, तो देखो टाइम वाली कोई कंडीशन मुझे नहीं पता, तो इक्वेशन किसका यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, किसके बीच में, बी से लेके सी के बीच में। तो देखो वी मेरे पास होती है फाइनल स्पीड, और उसने सवाल में बोला है कि जब ब्लॉक सी पॉइंट पे पहुंचेगा बॉटम पे तो रेस्ट की कंडीशन पे पहुंच जाता है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर कितना होगा, देखो यू स्क्वायर मेरा यू स्क्वायर होगा इनिशियल स्पीड जो यहाँ पे वी वाली थी, और वी की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, वी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, वी आया था मेरे पास वी स्क्वायर आया था जी साइन थीटा, है ना। तो वी स्क्वायर कितना आया था यहाँ पे, जी एक्स साइन थीटा, ऐसे ही कुछ आया था, है ना। तो इस वी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि जब मैं बी और सी की बात करूंगा तो बी पॉइंट की जो स्पीड होगी वो इनिशियल स्पीड की तरह ट्रीट होगी, अगर मैं बी और सी की बात करता हूँ, है ना। ए और बी के लिए फाइनल स्पीड और बी और सी के लिए इनिशियल स्पीड, तो यू स्क्वायर कितना होगा, जी एक्स साइन थीटा, है ना, क्योंकि ये पूरे यू स्क्वायर की वैल्यू होगी ना, तो उसको लिखेंगे जी एक्स साइन थीटा। और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं प्लस टू, ए कितना है यरा, ए जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा और इनटू इनटू कितना होगा एक्स बाय टू, क्योंकि हाफ डिस्टेंस है तो कितना लिखेंगे एक्स बाय टू, है ना। इसको थोड़ा सा मैं ओपन करके यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ये डायग्राम मैं हटा देता हूँ, डायग्राम आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ से मुझे क्या बताना है, इस रफ सरफेस के लिए जो म्यू की वैल्यू होगी मुझे बतानी है ना, ये मैं हटा देता हूँ, देखो इधर सोल्व कर देते हैं इसको। तो देखो यहाँ से ये आया मेरे पास, इसको मैं उधर लिख देता हूँ ना, थोड़ा और सही से लिख लेते हैं इसको, इस वैल्यू को। तो देखो जी जी एक्स जो साइन थीटा, इसको मैं धर लेके जाता हूँ, तो कितना होगा माइनस जी एक्स साइन थीटा, है ना, आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर कितना आएगा, ये बचेगा यहाँ पे टू जी साइन थीटा, इस टू जी को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा टू जी साइन थीटा माइनस, ये कितना होगा माइनस टू म्यू जी कॉस थीटा, टू म्यू जी कॉस थीटा, और ये कितना होगा यहाँ से एक्स बाय टू, कितना होगा एक्स बाय टू। तो देखो यहाँ से, अच्छा ये टू यहाँ से कॉमन लेंगे और टू को अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं थी, तो इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, जैसे ये टू है ना इससे कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पे, तो टू कॉमन आएगा टू से टू कैंसिल, तो कितना आएगा माइनस जी एक्स साइन थीटा, और यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा जी साइन थीटा इंटू एक्स और माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एक्स, ये बचेगा, है ना। इसको धड़ लेके आएंगे तो कितना होगा, ये होगा माइनस जी एक्स साइन थीटा माइनस जी एक्स साइन थीटा, ये कितना आएगा माइनस टू म्यू, अच्छा ये कितना बचेगा यहाँ से, ये आएगा माइनस
माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा टू जी एक्स साइन थीटा, और ये कितना आएगा म्यू जी कॉस थीटा इंटू एक्स, है ना। तो जी से जी कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो म्यू कितना आएगा, म्यू आएगा टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी म्यू की वैल्यू कितनी आएगी टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कितना होता है टेन थीटा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा यहाँ से म्यू इक्वल टू टू टेन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू बचेगी, देख लेते हैं कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया होगा इस तरीके से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया है म्यू इक्वल टू टू टेन थीटा, ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आएगा, तो ये अपॉर्चुनिटी लगा के, ये कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा आपने सबने, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी जी एक्स साइन थीटा, चलिए हटा देता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं मुझे क्या दिया है यहाँ पे, चलिए देखते हैं जरा। तो इसको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो नीट 2013 में सवाल पूछा था, थ्री ब्लॉक दिए मास m, 2m और 3m कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स f इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक स्मॉल m, द मास मूव अपवर्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। तो 2m पे लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू मुझे बतानी कितनी होगी, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, क्या दिया है मुझे, ये दिया है स्मॉल m, इस पे लगने वाला अपवर्ड फोर्स कितना दिया है यहाँ पे, ये दिया है कैपिटल F। इसके बाद एक और फोर्स यहाँ पे, जिसकी ये इसका मास कितना है 2m, और एक फोर्स यहाँ पे कितना है 3m, तो F है और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर इस सिस्टम के लिए कांस्टेंट स्पीड होगी, v कैसा होगा, अगर कांस्टेंट v होगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, जीरो। भाई पूरा सिस्टम v से अगर ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन कितना है, नेट एक्सेलरेशन जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स भी कितना होगा यहाँ पे, जीरो होगा। तो आप चाहो तो नेट फोर्स जीरो होगा, ये आंसर यहाँ से भी दे सकते हो सिंपल तरीके से, क्योंकि पूरे सिस्टम को एक मानोगे तो एक्सेलरेशन है कॉन्स्टेंट, तो एफ नेट की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो होगी। तो अगर ऐसा कुछ पूछता तो यहाँ से बता सकते हैं। एक और अप्रोच होती है, अब क्योंकि अगर कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो नेट फोर्स जीरो है यहाँ पे, नेट फोर्स कितना है जीरो, ये कहानी होगी। तो नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लेते हैं, वो नीचे एक्ट करेगा यहाँ पे 3m g, और रोप एक है तो टेंशन t, और रोप एक है तो टेंशन t, नीचे एक्ट करेगा 2m g, ऊपर होगा टेंशन t1, इसको t1 मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं यहाँ पे t2, है ना, ये 2m g, ये भी टेंशन कितना होगा t2, और ये कितना होगा यहाँ पे mg, है ना। अब x वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना होगा इस पे, जीरो। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो t1 की वैल्यू होगी नीचे वाले ब्लॉक से किसके बराबर होगी, 3mg के बराबर। t1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3mg के बराबर। और 2m वाले का अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे 2m वाले का, तो 2m वाले के ऊपर एक लग रहा है फोर्स यहाँ पे t2, और नीचे कितना लग रहा है 2mg, और ये कितना लग रहा है यहाँ पे, ये लग रहा है t1, और t1 की वैल्यू किसके बराबर है, 3mg के बराबर। तो यहाँ पे t2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, t2 बराबर आएगा 2mg प्लस 3mg, यानी t2 कितना आएगा यहाँ से 5mg, कितना आएगा t2 5mg। अब यहाँ से अगर अब अच्छा 2m वाले के ऊपर ही मुझे देखना था, तो 2m वाले पे लगने वाले नेट फोर्स कितने होंगे, देखो तो इक्विलिब्रियम में ना यहाँ पे, तो t2 कितना आएगा यहाँ से 5mg, तो नेट फोर्स देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ऊपर भी 5mg और नीचे भी 5mg, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा, यानी इसके ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जितना फोर्स है उतना नीचे, तो किस कंडीशन पर रहेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर रहेगा। तो पूरे सिस्टम पर लगने वाला भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, और अगर 2m वाले को देखो ये भी कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से अगर मैं ऑप्शन की बात करूँगा, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो ऑप्शन नंबर सी मुझे दिया है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीरो विल बी द नेट फोर्स एट द 2m ब्लॉक, ठीक है। तो इस सवाल को नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मैं हटा देता हूँ इधर से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। चलिए देखते हैं जरा, क्वेश्चन आपको दिया, ए कन्वेनर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप ऑन इट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, ब्लॉक और जो कन्वेयर बेल्ट है उसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.5, द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट, जी की वैल्यू दिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक कन्वेयर बेल्ट यहाँ पे दिए इस तरीके से, है ना, ये कोई कन्वेयर बेल्ट है, ये मूव कर रही है ऐसे ऊपर, है ना, इस तरीके से यहाँ पे, और एक बॉक्स को यहाँ पे मास के ब्लॉक को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, तो इनिशियल स्पीड कितनी है,
इनिशियल स्पीड जो बेल्ट की होगी वही ब्लॉक की होगी, कितने दिए 2 मीटर पर सेकेंड। और जब ब्लॉक यहाँ पे इसके ऊपर मूव करेगा, ये इनिशियल स्पीड है, और फाइनल कंडीशन क्या होगी जिसने बोला कि जब ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा वी कितना हो जाएगा, 0, यानी रुक जाएगा ड्यू टू, अच्छा रुकेगा क्यों, क्योंकि ये सरफेस कैसे दिए रफ, तो जैसे एम मास ब्लॉक आगे चलेगा, जैसे कहीं बिटवीन यहाँ पे है कि एक्सेलरेशन ऐसे जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ, है ना, और यहाँ पे लगेगा एन और यहाँ पे लगेगा एम जी, किधर लगेगा नीचे एम जी, और नॉर्मल किधर आएगा ऊपर की तरफ, ये कहानी होगी। तो मुझे यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसी की वैल्यू बतानी है, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे एक्स है इसी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है। अब देखो जरा कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं ना, देखो जरा नेट फोर्स कितना है, म्यू इंटू एन इक्वल टू एम इंटू ए, म्यू एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे एम जी के बराबर, ये हो जाएगा एम इंटू ए, एम से एम कैंसिल, तो ए कितना आएगा म्यू इंटू जी, ए की वैल्यू कितनी आएगी म्यू इंटू जी, यानी इतने रिटार्डेशन के साथ, ये एक्सेलरेशन नहीं है रिटार्डेशन है, क्यों, क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी फिर धीरे धीरे स्पीड कम हुई और नेट स्पीड बाद में कितनी होगी 0, तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस म्यू इंटू जी, क्योंकि रिटार्डेशन होगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा माइनस म्यू इंटू जी आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया यहाँ पे, अब अगर मुझे एक्स निकालना है तो एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट ही होगा यहाँ पे, क्योंकि म्यू की वैल्यू फिक्स है, तो ये लगा सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल स्पीड है 0, इनिशियल यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये रहा 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए दिया है माइनस म्यू इंटू जी, और ये डिस्टेंस कितना है इसको मैंने बोला है एक्स, है ना, इसको उधर लेके आओ कितना होगा 2 म्यू जी, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2 बाय म्यू इंटू जी, है ना, ऐसा कुछ दिया है क्या देख लेते हैं, तो 2 बाय म्यू इंटू जी, तो ठीक है, ये अगर वेरिएबल फॉर्म में पूछेगा इस तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे वैल्यू भी यहाँ पे दी है एक्स की वैल्यू दी है, म्यू की वैल्यू दी है 0.5 और जी की वैल्यू कितनी दी है 10, म्यू कितना दिया है 0.5, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे 10 से 10 कैंसिल, तो कितना बचेगा 2 बाय 5, तो 2 बाय 5 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 बाय 5 मेरे पास होगा x इक्वल टू, ये आएगा 0.4 मीटर, कितना आएगा 0.4 मीटर, और ये मेरे पास आंसर होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.4 मीटर। तो ये सवाल था जो नीट में पूछा था, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, चलिए देखते हैं जरा, तो एक डायग्राम आपको दिया है रफली सवाल के अंदर, क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज कॉन्टेक्ट विद द कर्व सी एज शोन इन द फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द कर्व इज म्यू, द एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ द कर्व दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग सेटिस्फाइज, तो चार ऑप्शन आपको दिए, तो अल्फा की कंडीशन बतानी कितनी होनी चाहिए जिससे एम मास का ब्लॉक नीचे की तरफ मूव ना करें, यानी जो अल्फा है जो एक्सेलरेशन है वो सी, यानी कार्ट का कितना रखें जिससे एम मास का ब्लॉक जो फिक्स है वो नीचे मूव ना करें, तो देखेंगे बड़ा सिंपल सवाल है ना, थोड़ा सा कर लेंगे इसको, ये मुझे दिया है कार्ट, है ना, ये सरफेस दी है इस तरीके से, तो ये कार्ट है यहाँ पे, ये डायग्राम में बना लेता हूँ नीचे, ये दिया है कार्ट, है ना, और एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक यहाँ पे लगाया हुआ है, और कार्ट कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, एक इक्वल टू अल्फा, ये उसने दिया है यहाँ पे, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी अल्फा, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे इस सरफेस के बीच में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ये दिया है मुझे म्यू, है ना, कार्ट को कोई मास नहीं दिया, बस ये कहानी यहाँ पे दी है, तो मुझे बताना है कि अल्फा की वैल्यू कितनी रखें जिससे एम मास का ब्लॉक जो है फिक्स रहे यहाँ पे, तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम अगर यहाँ पे बनाते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा म्यू, इसको मैं इधर लिख देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो अगर इन दोनों ब्लॉक के बीच में कॉन्टैक्ट होगा तो जैसे एम मास के ब्लॉक को कार्ड के ऊपर रखा होगा तो नॉर्मल लगा होगा किधर, एम मास के ब्लॉक ने कार्ड के इधर पर लगाया होगा नॉर्मल इधर की तरफ, और कार्ड ने एम मास के ब्लॉक पे किधर लगाया होगा नॉर्मल आगे की तरफ, है ना, ये कहानी होगी, तो नॉर्मल एम मास के ब्लॉक पे किधर लगेगा आगे, अब क्योंकि अगर कार्ड ऐसे जा रहा है तो ये भी कितने से जाएगा, ये भी अल्फा से जाएगा सेम एक्सेलरेशन के साथ, इसको ग्राउंड के फ्रेम से मैं कर रहा हूँ, कैसे फ्रेम से, ग्राउंड के फ्रेम से, तो देखो जरा क्या होगा, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ इसके लिए एम मास के ब्लॉक के लिए, ब्लॉक ऑफ मास एम, ब्लॉक ऑफ मास एम, ये जो एम मास का ब्लॉक है इसकी बात करेंगे तो उसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, तो नेट फोर्स कितना एक ही है नॉर्मल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में, नॉर्मल इक्वल टू मास कितना एम और एक्सेलरेशन कितना अल्फा, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, नॉर्मल किसके बराबर आ गया, एम इंटू अल्फा के बराबर आ गया। अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो एम मास का जो ब्लॉक है ना वो नीचे की तरफ मूव ना करे, है ना, तो देखो एक तो एम जी यहाँ पे किधर लगेगा, नीचे लगेगा, और एम जी अगर नीचे लगेगा और यहाँ पे म्यू दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किधर होगी, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एफ इन टू एस किधर आएगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ये होगा। अब देखो जरा यहाँ पे
अगर n हो गया m अल्फा और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा fs, तो अगर आप ये चाहते हो कि ब्लॉक नीचे मूव ना करे तो mg तो फिक्स है तो लगना ही है, तो यहाँ पे जो fs की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होनी चाहिए, mg, यानी mg फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, mg से बड़ा होगा, क्योंकि नीचे गिरने से कौन बचाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स बचाएगा, तो fs की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होनी चाहिए, mg के। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू n, ये किसके बराबर होगा, mg, ये हो जाएगा म्यू, n की वैल्यू किसके बराबर होगी, m इंटू अल्फा, ये लिख सकते हैं m इंटू g, सही बात है, नॉर्मल होगा अल्फा, एम से एम कैंसिल, तो म्यू अल्फा इक्वल टू किसके आएगा, जी के, तो अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके आएगा, जी बाय म्यू, तो ये एक्सेलरेशन की कंडीशन होनी होगी कि जो मेरे पास एक्सेलरेशन है कार्ट का वो जी बाय म्यू की जो वैल्यू होगी उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी आप इसको नीचे गिरने से बचा पाओगे, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिया गया देख लेते हैं, तो अगर आप देखोगे तो अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जी बाय म्यू ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया है, ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सिंपल सवाल था, तो बस ये अप्रोच लगा के यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कंडीशन आपको निकालनी थी, तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं आगे। चलिए ये हटा देता हूँ मैं इधर से, ये लिख लिया होगा सबने, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए तो यहाँ पे एक सवाल दिया है, ये AIPMT 2009 में पूछा था, अब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स है ना, एक फोर्स आपको दिया है वेक्टर फॉर्म में, फोर्स की वैल्यू कितनी दी है, ये दिया है फोर्स आपको 6i cap - 8j cap और +10k cap, ये दिया है फोर्स, एक्वायर्ड एन एक्सेलेशन ऑफ, यानी a की वैल्यू कितनी दी है, 1 m/s², ये एक्सेलेशन की वैल्यू दी है 1 m/s² स्क्वायर, तो आपसे क्या पूछा है, द मास ऑफ बॉडी है ना, यानी आपसे m की वैल्यू पूछे कितनी होगी, ठीक, कैसे करेंगे, ट्राई करो उस क्वेश्चन को करने का, है ना, कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, ये लगा सकते हैं कि जो नेट फोर्स मेरे पास होगा कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब f कैसे निकालेंगे, अगर वेक्टर फॉर्म में तो f को ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, f इक्वल टू अंडर रूट f1² f2² f3² f1 कितना है 6, ये लिखेंगे 6² - 8² प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे, कितना आएगा यहाँ से, प्लस आएगा यहाँ पे 10² ये कहानी होगी, तो जो f होगा यहाँ पे, f को कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 36 + 64 + 100, ये लिखेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 100 + 100, तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी किसके बराबर आएगी, अंडर रूट 200 के बराबर आएगी, यानी अंडर रूट 200, और इसको क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू ये आ जाएगा 10√2 न्यूटन, नेट फोर्स कितना आएगा 10√2 न्यूटन ये आएगा, तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे रखो कितना हो जाएगा 10√2, ये हो जाएगा मास, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ये आएगा 1, तो मास कितना आ जाएगा यहाँ पे 10√2 kg, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो ऐसे ऑप्शन में दिया है कहीं पे, तो ऐसा ऑप्शन आपको दिया, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो नोट कर लो सवाल को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये मैं हटा देता हूँ इधर से, ये हटा देते हैं, देखते हैं जरा क्या दिया है मुझे। देखो सिंपल से सवाल दिए हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, तो कर सकते हो आप इनको अटेम्प्ट। जैसे ये सवाल दिया है, सैंड इज बिंग ड्रॉप ऑन ए कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg/s, यानी ये मास ऑफ रेट दिया मुझे, रेट ऑफ मास दिया है, कितना दिया, रेट ऑफ मास, अगर खाली kg में होता तो उसको मैं क्या बोलता, सिंपल मास, तो रेट ऑफ मास कितना दिया है, m kg/s, द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 m/s विल बी, तो कितना फोर्स मुझे रिक्वायरमेंट होगा जिससे कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ ही मूव करता रहे। तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, एक यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ट्राई करो सवाल को करने का, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो सैंड इज बिंग ड्रॉप का मतलब ये है, ये मुझे जो ये दिया है ना m, ये किस में दिया है, kg/s, यानी क्या दिया, रेट ऑफ मास, क्या दिया है, जब भी पर सेकंड की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, रेट की बात करेंगे, तो रेट ऑफ मास है ना, ये दिया रेट ऑफ मास, यानी हर सेकंड में, यानी हर सेकंड में कितना मास ड्रॉप हो रहा है बेल्ट के ऊपर, सैंड का कितना मास ड्रॉप हो रहा है, m kg/s, तो कितना फोर्स यहाँ पे रखना है ये निकालना मुझे। तो देखो अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ की बात करूँ तो वो मेरे पास होता है अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही होता है, तो एफ इक्वल टू कितना होगा डी, ये होगा mv/dt, मोमेंटम को m into v लिखते हैं, और फिर क्या लगाएंगे, देखो एक बार रखेंगे m बार तो कितना हो जाएगा dv/dt, एक बार रखेंगे v बार dm/dt, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेट दिया है, यानी पर टाइम की बात करेगा तो हम यहाँ पे इसी को अप्लाई करेंगे जो बेसिक होता है न्यूटन सेकंड लॉ का dp/dt। अब उसने बोला कि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी अगर कॉन्स्टेंट होगी तो dv/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगा, यानी ये टर्म कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, तो फोर्स किसके बराबर बचेगा, v dm/dt, ये बचेगा,
तो फोर्स इक्वल टू स्पीड है भी, ये तो कॉन्स्टेंट है, और dm बाई dt यानी रेट ऑफ मास कितना है, ये है किलोग्राम पर सेकंड में कैपिटल m, तो कितना हो जाएगा v और कैपिटल m, इतना आएगा यहाँ पे न्यूटन। तो ये मेरे पास आंसर होगा v इंटू m। तो देख लो ऑप्शन में आपको दिया होगा यहाँ पे सब कुछ, तो अगर देखोगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी, वी एम बोलो या एम वी बोलो एक ही बात है ना, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये हटा देता हूँ मैं, चलिए इसको हटा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिया है पी वाई क्यू के अंदर। तो देखो लास्ट क्वेश्चन जो दिया दिया है, ए ब्लॉक बीस पुश मोमेंटमली अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी वी, इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड द सरफेस, ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम, है ना। तो एक टाइम आपसे पूछा कि कितनी देर बाद ये ब्लॉक बी अगर इनिशियल स्पीड वी के साथ मूव करेगा तो कितना टाइम बाद रेस्ट की कंडीशन पे पहुंचेगा, है ना। और देखो ये सरफेस मुझे दी है और ये दिया है एम मास का ब्लॉक, यहाँ पे क्या दिया एम मास का ब्लॉक, और मुझसे पूछा कि एम मास का ब्लॉक की जो इनिशियल स्पीड है वो दी है वी, तो कितने टाइम बाद, कितने टाइम के बाद ये जो एम मास का ब्लॉक है यानी यहाँ से मूव करने के बाद यहाँ पे वी रेस्ट की कंडीशन पे पहुँच जाएगा। रेस्ट पे क्यों आएगा, स्पीड क्योंकि यहाँ पे वी है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे दिया है, ये सरफेस कैसे दिए रफ, तो क्या दिया है फ्रिक्शन फोर्स। तो देख सकते हो कि जब यहाँ पे एम ब्लॉक कहीं बीच में पहुँचेगा, एम मास का जो ब्लॉक होगा एम जी लगेगा नीचे, नॉर्मल लगेगा ऊपर, एक्सेलरेशन ए से जाएगा आगे और फ्रिक्शन किधर लगेगा म्यू इनटू एन पीछे की तरफ। तो यहाँ पे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स तो यही है फ्रिक्शन, तो कितना हो जाएगा म्यू एन इक्वल टू एम इनटू ए, यही होगा म्यू एन इक्वल टू एम इनटू ए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में म्यू, एन की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे एम जी के बराबर, ये कितना होगा एम इनटू ए, तो एम से एम कैंसिल, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी म्यू इंटू जी के बराबर। ये तो मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया यहाँ पे, अब ये जो रिटार्डेशन है कैसा रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं, अगर इसको ए मानेंगे इसको मानेंगे बी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यूज कर, अच्छा ये तो नहीं लगा सकते यहाँ पे, काम करते हैं क्योंकि टाइम पूछा है, तो सीधा इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए, क्योंकि टाइम मुझसे पूछा है, ये होगी फाइनल स्पीड, ये हो जाएगा जीरो। इनिशियल स्पीड कितनी दी है यहाँ पे, इनिशियल स्पीड है यहाँ पे वी, है ना, और प्लस ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा टी, तो ए टी की वैल्यू कितनी आएगी, ए टी हो जाएगा माइनस वी, तो t कितना आएगा यहाँ से माइनस वी बाय ए। अब क्योंकि रिटार्डेशन है तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं म्यू इंटू जी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे t इक्वल टू वी माइनस और माइनस म्यू इंटू जी, तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, t आएगा v बाय म्यू इंटू जी, तो ये टाइम आएगा मेरे पास t इक्वल टू वी बाय म्यू इंटू जी, ऑप्शन देख लेते हैं कहीं ना कहीं मैंशन किया गया होगा उसको, तो v बाय जी म्यू, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया है ना, ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो, तो v बाय जी म्यू ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लो इसको आप, चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो ये थे मेरे पास नीट NLM के अंदर PYQ, यानी जितने भी सारे सवाल थे वो सब मैंने अच्छे क्वेश्चन सब आपको यहाँ पे डिस्कस करा दिए, इसके बाद एक दो छोटे मोटे सवाल बचते हैं, वो सब नॉर्मल क्वेश्चन है, वो सब हमने पहले कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो लगभग सारे ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे PYQ में डिस्कस कर लिए, इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें मेंस के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेंस के PYQ जरूर सॉल्व करें, क्योंकि उसको करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बनेगा। तो अगर आप जेई के सवाल लगा पा रहे हो तो नीट के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा उसी लेवल को थोड़ा सा मान के चल सकते हो नीट के अंदर, ओके। तो ये था मेरे पास नीट PYQ, अब नेक्स्ट वीडियो में जेई मेंस PYQ की बात करेंगे और फिर उसके बाद एडवांस के PYQ। तो जो भी बच्चे चाहे वो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे मेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं PYQ, वो तीनों के ही सॉल्व करें, जिससे क्या होगा कि एक अच्छी प्रिपरेशन आपकी एक अच्छे लेवल पे हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक आप इस वीडियो को देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और तब तक पढ़ाई करते रहिए, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।